मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने बहिष्कार को लेकर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इससे देश के पर्यटन पर असर पड़ा है। मोहम्मद नशीद ने मालदीव के लोगों की ओर से भारतीयों से माफी भी मांगी है और कहा है कि वो चाहते हैं कि भारतीय पर्यटक उनके देश में आते रहें। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद जारी है और इसी बीच मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मालदीव पर भारत के बहिष्कार के आह्वान के बारे में भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इसका उनके देश के टूरिज्म क्षेत्र पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। उन्होंने मालदीव के लोगों की ओर से माफ़ी भी मांगी है। बताते चलें कि नशीद इस वक्त भारत में ही हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मालदीव के लोगों को माफ़ करना। मीडिया बातचीत में उन्होंने ये भी कहा है कि बहिष्कार ने मालदीव पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है, वास्तव में इसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे और मालदीव के लोगों को इसका खेद है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मैं अपनी छुट्टियों पर मालदीव आऊंगा और हमारे अतिथियों में कोई बदलाव नहीं होगा। पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है और कहा है कि मैं कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। पीएम मोदी ने हम सभी को शुभकामनाएं दी हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा समर्थक हूं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने बहिष्कार के लिए जिम्मेदार लोगों को हटाने में वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा की गई तार्किक कार्रवाई पर की भी सराहना की है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि मुझे लगता है कि इन मामलों को सुलझाया जाना चाहिए और हमें रास्ता बदल कर अपने सामान्य रिश्तों की ओर लौटना चाहिए। संबंधों पर विचार करते हुए नशीद ने पिछले चुनौतियों के दौरान भारत के जिम्मेदार रवैये और व्यवहार को लेकर भी अपनी बात रखी है। बता दें कि मोहम्मद नशीद ने कहा है कि जब मालदीव के राष्ट्रपति चाहते थे कि भारतीय सैन्यकर्मी चले जाएं तो आप जानते हैं कि भारत ने क्या किया। उन्होंने अपनी बाहें नहीं मोड़ी, उन्होंने ताकत का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मालदीव की सरकार से बस इतना ही कहा, ठीक है आइए हम इस बात पर चर्चा करते हैं। वहीं नशीद ने राष्ट्रपति मोहम्मद मैजो के डुनारिया उड़ान और हेलीकॉप्टर्स पर बातचीत बंद कराने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति मोइजो ने ये चर्चाएं की हैं। मैं उन्हें फ़ोन करूंगा कि कृपया डुनारिया उड़ान और हेलीकॉप्टर्स पर इन चर्चाओं को रोका जाए। वहीं चीन समर्थक नेता के रूप में देखे जाने वाले मोइजो ने नवम्बर में राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद ये कहा था कि वो अपने देश के सभी भारतीय सैन्यकर्मियों को निष्कासित करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करेंगे। जानकारी कैसे लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।